आज हम बात करेंगे बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, और इस बीएमआई से हम ओवरवेट या ओबेसिटी निकाल सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जनरली ओवरवेट है या ओबेसिटी है कैसे निकालते हैं देखेंगे, और इस ओवरवेट या ओबेसिटी को कैसे कम किया जा सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप यदि इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करिए, और यदि जो लोग पुराने हैं वो भी देख रहे हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें। सो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए जनरली हम क्या करते हैं कि आपका जो वेट होता है उसको केजी में लेते हैं और हाइट को मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और वेट अपॉन हाइट यानी वेट को हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा बीएमआई आ जाता है। और यदि ये बीएमआई आपका सपोज करिए 18.5 से लेकर 24.9 आता है तो यह तो नॉर्मल कैटेगरी का हो गया। 18.5 से नीचे जो आता है वो ओवर अंडर वेट हो गया। अब 25 से या ज़्यादा जो आता है 25 से लेकर 29.9 तक वो ओवरवेट होते हैं। इसके अलावा 30 से लेके 34.9 तक जो आता है वह ओबेस कैटेगरी 1 कहलाता है। 34.9 से ज़्यादा यानी 35 से लेके 39.9 तक जो होता है वह ओबेस कैटेगरी 2 कहलाता है, और 40 या 40 से ज़्यादा जो होता है वो अपना ओबेस कैटेगरी 3 कहलाता है। तो यह तो हो गया कि हम ओवरवेट हैं कि ओबेसिटी हैं कैसे निकालेंगे। अब यह ओवरवेट या ओबेसिटी जो होता है जनरली हम थायराइड के कारण भी हो सकता है या फिर जेनेटिक होता है यानी किसी के पेरेंट्स को, दादा या दादी या नाना नानी को है तो उनको भी हो सकता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग बहुत बड़ा कारण है। तो यदि हमें जितनी कैलोरी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा हम कैलोरी ले रहे हैं तो आगे चल के वह हमारी बॉडी में स्टोर होगा और यह ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में स्टोर होकर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है बॉडी में, जिससे कि ओबेसिटी या ओवरवेट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड मींस आपका जो लो जीआई का फ्रूट है या वेजिटेबल्स है वो लेना चाहिए, और हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत है इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर इंडिविजुअल की कैलोरी और उसकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आप जितनी ज़्यादा कैलोरी लेंगे और यदि इसका उपयोग नहीं होगा, वो बर्न नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में एक्सेस स्टोर होगी जिससे कि ओवरवेट या ओबेसिटी होगा। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए यही है कि फिजिकल एक्टिविटी करें, हम जनरली एक्सरसाइज करें या योगा करें जिससे जो अंदर की फैट है वो बर्न हो। इसके अलावा हम एक हेल्दी फूड लें। हेल्दी फूड मतलब कि हम जितनी कैलोरी हमें ज़रूरी है वो न्यूट्रिशियस फूड लें, जंक फूड अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अल्टरनेटिव में आप अच्छे फैट लीजिए जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, और ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बनाती, जैसे लिनोलेइक एसिड्स हो गया आपका, लिनोलेनिक एसिड्स हो गया, ये बॉडी हमारी नहीं बनाती। और एक थर्ड होता है आर्किडोनिक एसिड्स, जिसको कि बॉडी यदि लिनोलेइक सफिशियंट अमाउंट में है तो आर्किडोनिक एसिड्स का सिंथेसिस बॉडी कर लेती है। तो एक हेल्दी फैट्स लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप लो जीआई का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, और इसके अलावा डाइट्री फाइबर्स पर्याप्त लें। डाइट्री फाइबर्स जो नट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इनको सफिशियंट अमाउंट में लीजिए। नट्स को थोड़ा एक बैलेंस बना के लीजिए, ज़्यादा नट्स लेना भी बॉडी के लिए सही नहीं होता क्योंकि उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो एक बैलेंस अमाउंट में लेंगे तो वह एचडीएल लेवल को बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि मतलब अपना जो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है वो लेना चाहिए जिससे वेट कंट्रोल होता है और हमें हाइड्रेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, यानी कि एक सामान्य जो इंडिविजुअल है उसको
8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन यह डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हमारी एज क्या है, या कोई डिसीज से हम सर्वाइव तो नहीं कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। ये सब बेसिक प्रिवेंशन है जो हमें ओवरवेट या ओबेसिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो आगे चल के ये क्या होता है कि स्ट्रोक डेवलप कर सकता है, कार्डियक इशू प्रॉब्लम कर सकता है, डायबिटीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर है ये आपका ओबेसिटी या ओवरवेट, क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इस ओबेसिटी या ओवरवेट से, तो डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। और इसके अलावा कुछ कैंसर भी डेवलप हो जाते हैं, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, ये सारे आगे चल के ओवर वेट या ओबेसिटी से डिजीज़ डेवलप होती है। तो ओवर वेट या ओबेसिटी से हमें बचना चाहिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होपफुली, यह आपको उपयोगी है तो इसको चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए, और जो कमेंट है वो आप इस चैनल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।